नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस वेल्थ एंड क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक नए आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मंडे से मार्केट में आएगा, जिसका नाम है सोना कॉमस्टार। इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू मैं इस वीडियो में करके आपको बताऊंगा, और जिससे आपको पता चलेगा कि इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कितना पैसा बनने की उम्मीद है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करने के बाद, आपकी लिस्टिंग होने के बाद आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चीज़ तो हमको पता चल जाती है, लेकिन लिस्टिंग गेन होने के बाद या फिर आईपीओ अलॉटमेंट होने के बाद आपको इस स्टॉक के अंदर बने रहना है लंबे ड्यूरेशन के लिए या फिर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना है, वो चीज़ पता चलती है। कंपनी किस तरीके की है, उसके उसके कस्टमर कौन से हैं, बिजनेस किस तरीके का है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को छोड़ के किसी और वीडियो की तरफ मत चले जाइएगा, डिटेल में इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से इसका क्या लिस्टिंग गेन हो सकता है वो भी मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई सारी वीडियो सही समय पर मिलती रहे। आप देख सकते हैं मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, बहुत सी स्ट्रेटजीज़ भी शेयर करता हूँ अपने इस चैनल के अंदर, और अपने टेलीग्राम चैनल में भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो चार्ट्स होते हैं डेली बेसिस पर मैं वो भी शेयर करता रहता हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताऊंगा आईपीओ की टाइमलाइन के साथ कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है। तो 14 जून से, जैसा मैंने पहले बताया, मंडे से ये आईपीओ आप सभी के लिए ओपन हो जाएगा, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डे जो है वो 16 जून की सेट की गई है। आईपीओ के अलॉटमेंट की जो डेट है वो 21 जून की है, यानी इस दिन तक आपको पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ मिला है या नहीं। आईपीओ में अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपका पैसा 22 जून से रिफंड करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लिस्टिंग जो है एक्सचेंज के अंदर वो 24 जून को हो जाएगी। अगर मैं और डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स के बारे में बताऊं इस आईपीओ से रिलेटेड, तो इस आईपीओ का जो इशू साइज़ है वो आप देख के बहुत खुश हो गए होंगे कि वाह, 5,550 करोड़, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू का ये आईपीओ आने वाला है। लेकिन क्या ये बड़ी वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी है, क्या हम सभी को इससे फ़ायदा होगा, इसको मैं आगे चल के बताऊँगा जब मैं इस आईपीओ को ऑब्जेक्टिव आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को देखना मत भूलिएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की सेट की गई। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 285 से 291 का रखा गया है। इसका जो लॉट साइज़ है वो 51 शेयर्स का सेट किया गया है, यानी कि अगर एक लॉट आप अप्लाई करते हैं तो 14,841 रुपये आपको एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगेंगे। चलिए अब इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं, साथ ही साथ प्रोडक्ट फोलियो या क्लाइंट्स जो हैं उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देना शुरू करता हूं। सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जो कंपनी है काफ़ी पुरानी है, 1995 से चल रही है। अच्छी लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की कंपनी है, ऑटोमोटिव सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर इस कंपनी के काम की बात की जाए तो ये जो कंपनी है बेसिकली डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है हाई क्वालिटी के मिशन क्रिटिकल जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि डिफरेंशियल एक्सेल असेंबली हो गई, गियर्स हो गए, कन्वेंशन एंड माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स जो होते हैं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल होते हैं और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उस तरीके के कंपोनेंट को ये कंपनी बनाती है, उनका डिज़ाइन करती है। 2020 में ये कंपनी टॉप 10 ग्लोबल प्लेयर्स थी जो कि डिफरेंशियल बेवल गियर बनाते हैं या उस सेगमेंट में काम करते हैं। तो आप ये भी देख के खुश हो रहे होंगे कि ये कंपनी वाह, टॉप 10 ग्लोबल, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ इंडिया में टॉप 10 में होती है, लेकिन ये कंपनी ग्लोबल लेवल पे अपने पहचान बनाने में सक्सेसफुल हुई है। अब अगर मैं इनके कस्टमर्स की बात करूँ कि इसके कस्टमर या क्लाइंट्स कौन कौन है, तो इनके क्लाइंट्स में बहुत बड़ी लिस्ट है, जो कि OEMs भी आते हैं। आप देखेंगे पूरे जो भी कस्टमर्स हैं, अमेरिकन कस्टमर हैं, इंडियन कस्टमर हैं, एशियन कस्टमर हैं, या फिर मैं चाइनीज़ कस्टमर बोलूँ, यूरोपियन कस्टमर हैं, तो ओवर दी वर्ल्ड इन जहाँ जहाँ ऑटोमोटिव सेक्टर काफ़ी बड़ा माना जाता है उन सभी जगह इस कंपनी के कस्टमर है। अगर आपने कस्टमर्स के नाम देखे होंगे तो भी आपको समझ में आया होगा कि कितने बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स या इनके कस्टमर्स की लिस्ट है।
अब अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूं कि कहां कहां से ये कंपनी ऑपरेट करती है, तो इस कंपनी के टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड असेंबली प्लांट्स हैं जो कि इंडिया, चाइना, मैक्सिको एंड यूएस को कवर करते हैं। अगर मैं इनकी इंडिया की फैसिलिटी, चाइना, मैक्सिको एंड यूएस की मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, तो वहां से वो कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर और बीएलडीसी ट्रैक्शन मोटर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। गुरुग्राम, मानेसर, पुणे जहां इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां से ये डिफरेंशियल गियर, डिफरेंशियल असेंबली और बाकी दो अलग अलग तरीके के जो गियर्स होते हैं वो उन प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ये सब तो हो गया। अब अगर मैं इनके रेवेन्यू की बात करूं कि कंट्री वाइज ये कंपनी किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है, तो आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका से इनका सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 50% या फिर मैं बोलूँ स्पेसिफिकली 42% का जो रेवेन्यू है ये नॉर्थ अमेरिका से जनरेट करते हैं, 26% का रेवेन्यू ये इंडिया और यूरोप से जनरेट करते हैं और 6% का जो रेवेन्यू है ये करंटली चाइना से जनरेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनका रेवेन्यू भी जो है किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब अगर इस कंपनी के मैं पॉजिटिव्स की बात करूँ जो कि फ्यूचर में इनके लिए अच्छी हो सकती है, आप देखेंगे कि कंपनी जो है लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर है ग्लोबल ईवी मार्केट में। लार्ज इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए थे आपको जो कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अगर जैसा मैंने आपको बताया इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये ज्योग्राफी के वाइज से, व्हीकल सेगमेंट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से अच्छी खासी डाइवर्सिफाई है। ट्रैक्टर सेक्शन में भी ये है, सीवी सेक्शन में भी है, पीवी सेक्शन में भी है और जैसा मैंने आपको इनका ग्लोबल प्रेजेंस बताया तो हर मेजर कॉन्टिनेंट में इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो भी इसके लिए फ्यूचर में एक अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है, कंसिस्टेंट इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है जिसको मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। अब आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है ऑब्जेक्टिव। जैसा मैंने बताया था कि हमको 5,500 करोड़ का IPO का इशू साइज दिख रहा है, लेकिन क्या उसका उतना वैल्यू है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात करूं तो वो भी 1,700 मिलियन से बढ़ के 2,150 मिलियन का हो चुका है। आप इसमें ये भी चीज़ देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से या कोविड सिचुएशन की वजह से इसमें काफ़ी कुछ गिरावट आई होगी और उसके बाद भी कंपनी ने इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो ये एक फाइनेंशियली बोला जाए तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी करंटली नज़र आ रही है। तो हमको लिस्टिंग गेन जो है वो बेसिकली पता चलता है ग्रे मार्केट प्राइस से। तो उसके लिए करंटली हमारा जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो रेंज, इस IPO के लेटेस्ट GMP अगर आपको पता करनी है तो आप मेरे क्यूरियस वेल्थ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने डिटेल IPO का वीडियो शेयर किया है, उसमें GMP भी आपको बताइए। और कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा से इसी IPO के ऊपर एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगा जिसमें करंट IPO उस समय पे कितना रहेगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि इस IPO में आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्राइस इस IPO का आपको पता चलता रहे, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।